हाल चाल। अरे अरे स्वागत नहीं करोगे अपने अनुराग अनुराग भाई का, तो स्वागत कर लो। कैसे स्वागत होगा? अरे भाई तुम स्वागत मेरा करो। कैसे भाई ने मेरे स्क्रीन पे तुमको मेरे टेलीग्राम के चैनल का ये फोटो दिख रहा होगा, तो भाई मैं बोलूंगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मैंने अपने टेलीग्राम का लिंक डाल दिया, भाई ज्वाइन हो जाओ, मौज काटो, कमाओ, चील करो, मतलब जिंदगी ऐसे जियो भाई, खुल कर जियो, मौज काट लो। तो भाई टेलीग्राम पे जुड़ जाओ और मौज काटो। भाई देखो टेलीग्राम पे इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि भाई देखो जब लाइनअप आती है तो मैं अपनी फाइनल टीम टेलीग्राम पे ही देता हूँ, ठीक है? यहाँ टेलीग्राम पे यहाँ स्क्रीन दिख रही होगा आपको, तो मैं अपनी फाइनल टीम यही देता हूँ, जुड़ लो। और भाई मैं जब तक मैच खत्म होता, जब तक मैच खत्म नहीं हो जाता, जब से मैच स्टार्ट हो जब तक खत्म, तब तक मैं वहाँ ऑनलाइन रहता हूँ, हर एक प्लेयर के बारे में टिप्स देता ही रहता हूँ। लेकिन अगर जो इधर मैं आपको सिखा दूंगा पूरे जिंदगी भर याद कर लोगे, दिमाग में फिट हो जाएगा, समझ जाओगे हाँ भाई ये बल्लेबाज को रखना, इसको नहीं रखना, पिच ऐसी करती है, हाँ भाई इस ओवर में इतने रन, ये सब सीख जाओगे भाई, छुट्टियों में सीखोगे, बस टाइम दो 4-5 मिनट। और हाँ भाई वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब मार लो, क्योंकि बाद वाला काम आलस का होता है, आलस तो हम लोग को नहीं करना, क्योंकि भाई हम क्रिकेट वाले हैं, क्रिकेट वाले आलस करोगे तो कैसे काम चलेगा। तो भाई अब वीडियो में कोई फालतू बकवास स्टेटस किसी भी चीज का बात नहीं करेंगे, सीधा माते पॉइंट वाली बात पे। तो चलो भाई वीडियो को भाई हम बात कर लेते भाई 22वां T20 मैच। भाई 22वां T20 मैच है, कौन सा? साउथ अफ्रीका लीग चल रहा है भाई, ये कौन सा चल रहा है? साउथ अफ्रीका T20 लीग चल रहा है, समझ लो, कमा लो, दबा के मौज काट लो, ठीक है? जब तक तुम्हारा अनुराग भाई है वीडियो के माध्यम से तुम लोग को बता रहा हूँ, सीख लो, ठीक है? यहाँ पे देख लो भाई, चलो बात कर लेते टीम, कौन कौन सी टीम के बीच में मैच होने वाला है। भाई देखो MI केप टाउन VS वर्सेस, कुछ भी बोल सकते हो, VS बोल सकते हो, वर्सेस बोल सकते हो, या फिर और बोल सकते हो, ठीक है? तो बात कर लेंगे MI केप टाउन VS जर्मन सुपर जायंट्स। भाई ये दोनों टीमों के तगड़ा मैच होने वाला है, एकदम मामला गर्म का मामला होने वाला है इन दोनों मैच में। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले क्या आपको हम पहले आपको हम क्या बताएंगे MI केप टाउन प्रोबल प्लेइंग 11 टीम न्यूज के बारे में। सबसे पहले बता दें कि आज के मैच में जो हो रहा, कौन से प्लेयर स्क्वाड उपलब्ध है, कौन से प्लेयर खेलने वाले हैं, चलो बात कर लेते हैं प्रोबल प्लेइंग 11 टीम न्यूज के बारे में, किसके? MI केप टाउन के बारे में। तो चलो बात कर लो, बात कर लेते हैं MICT मीन्स MI केप टाउन प्लेइंग 11 टीम न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं, ठीक है? तो चलो भाई पंचायत कर लेते हैं, चलो भाई बात कर ले। देखो भाई कौन कौन से प्लेयर स्क्वाड उपलब्ध है, तो यहाँ देख लेंगे RVN Dhusan। भाई मैं RVN Dhusan के बाद आपसे यही बता दूं, वीडियो में बने रहना, अभी आगे मैं वीडियो में बता दूंगा कौन बंदा है 25 रन मार के जाएगा, 25 रन का सेशन जानते हो, सेशन बता दूंगा भाई, सेशन बता दूंगा किसको यस करने है, किसको नो करने है, और इसी पे तुम कमा लेना, ठीक है? आज की दिहाड़ी मजदूरी, तुमको जो लैंग्वेज में समझ में आए, आज का ज्ञान पुरस्कार जो भी समझ में आए ले लेना, कमा लेना, छाप लेना, बस 4-5 मिनट वीडियो को देखो और वीडियो में बने रहना, अभी बताऊंगा सब चीज बता दूंगा, वीडियो में बने रहो, धैर्य रखो अपने आप में। चलो भाई तो हम बात कर लेंगे, देखो RVN Dhusan डेविड ब्रेविस कॉनल स्टोन्यूज कॉनल स्टूबी लिविंग स्टोन सैम करन पैरन पुलाट टेक आबे बी हेंड्रिक्स। भाई ये BE हेंड्रिक्स है, BE हेंड्रिक्स ओपी स्टोन के रबाडा मीन्स के मीन्स हो गया कागिसो रबाडा, ये हमारे कौन से हो गए MICT प्रोबल प्लेइंग 11 टीम न्यूज के बारे में हमने आपको बता दी। अब बात कर लेते जर्मन सुपर किंग प्रोबल प्लेइंग 11 टीम न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं, JS जर्मन सुपर किंग प्रोबल प्लेइंग 11 टीम न्यूज के बारे में। तो भाई यहाँ देख लो स्क्वाड कौन कौन से उपलब्ध होते हैं, हम बात कर लेंगे। देखो भाई फाइव डुप्लेसी कितने दिन से बल्ला खामोश चल, लेकिन अभी इसने बल्ला चलाना शुरू कर दिया। कौन? फाइव डुप्लेसी अपने वापस, अपने रूल, अपने शेड्यूल, अपने 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 पुराने लय में वापस आ रहे। कौन? फाइव डुप्लेसी। तो भाई मैं अभी बोल दूंगा, अभी वीडियो में बने रहना, देखते हो अभी आगे मैं बताऊंगा, कभी बैटिंग करते समय अच्छा है, फर्स्ट बैटिंग करते समय, सेकेंड बैटिंग करते समय, तो भाई वीडियो में बने रहो। चलो वीडियो इन लोग के प्रोबल प्लेइंग, ये जो 11 प्लेयर है इनके बारे में जान लो, कौन प्लेयर खेल रहा है, कौन प्लेयर नहीं खेल रहा। तो यहाँ देख लो भाई रोमियो रोमन हरमन JL Dupoli आर हेंड्रिक्स। भाई ये आर हेंड्रिक्स नाम सुन लो, आर हेंड्रिक्स BS महाकाया फिर डी फरेरा मोइन अली एंड बर्जन। फिर यहाँ हम बात करेंगे आर सेफर्ट गार्लेज कोटर LB विलियम्स। ये हमारे हो गए भाई JKS की प्रोबल प्लेइंग 11। अब बात कर लेते द मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज क्या होता है भाई, पिच रिपोर्ट होता है। अब पिच रिपोर्ट से थोड़ा तुमको मदद मिलेगी, थोड़ा कुछ सीखने को मिलेगा भाई ये पिच कैसा है, क्या करती है, सब जान लेते हैं पिच रिपोर्ट के
बारे में। तो चलो पिच रिपोर्ट के बारे में पंचायत कर लेते हैं, कर लेते हैं पिच रिपोर्ट के बारे में। भाई पिच रिपोर्ट ये कहाँ पर है? न्यू लैंड्स का पिच है भाई। न्यू लैंड्स मीन्स भाई मैंने इधर देखो सर्कल बना दिया ऐसे, मीन्स मतलब साउथ अफ्रीका का भाई ये पिच है। कौन सा? साउथ अफ्रीका का पिच है। और साउथ अफ्रीका की पिच क्या कहती है? तो यह नाम सुन लो, देखो यह पिच गेंदबाजों के लिए अनुकूलन मानी जाती है। मतलब यह पिच पे गेंदबाज का जलवा रहता है, एक तरफ से बोल सकते हो, मतलब जलवा रहता है। फिर अब हम बात करें इस पिच पर स्पिनर्स और गेंदबाज, इस पिच पर स्पिनर और तेज गेंदबाज दोनों को मदद मिलता है, दोनों को मदद मिलता है, स्पिनर और तेज गेंदबाज को मदद मिलता है। और आगे सुन लो फिर, इस पिच पर 70% स्पिनर्स का पिच कहा जाता है। मतलब इस पिच पर दोनों को मदद मिलते है, मतलब दोनों को मदद मिलते है तेज गेंदबाज स्पिनर को, लेकिन 70% जो है 70% वो स्पिनर्स को मदद मिलते है। स्पिनर्स को, किसको? स्पिनर्स को। यार देखो मैंने एक लाइन में लिखा हूँ कितने प्यारे लाइन में, देखो इस पिच पर 70% स्पिनर को पिच कहा जाता है। 70% ये जो पिच है स्पिनर्स का, ठीक है। तो अपने इम्पोर्टेंट रहने वाले स्पिनर आज के मैच में, फिर हम बात करेंगे इस पिच पर बल्लेबाज जरा संभल कर खेलना होगा, नहीं तो उसकी विकेट आसानी से गिर सकती, क्योंकि भाई जो पीछे बैटरों को कोई मदद नहीं करती। हाँ थोड़ी बहुत मदद करती है, थोड़ी बहुत से काम थोड़ी ही चलेगा भाई। जब ये देखोगे स्पिनर भी विकेट चटका दे रहा है, तेज गेंदबाज विकेट चटका दे रहा है, तो ऐसे नहीं पता चलेगा भाई कितने चेस होते कितने खा होते। अब चलो बात कर लेते हैं स्कोरिंग पैटर्न के बारे में, तो वहां से सारा डाउट तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, कितने रन बनते हैं, कितने चेस होते हैं और कितने क्या है, जैसे कौन कितनी बार मैच को जीतता है, पहले बैटिंग करने वाली टीम ने मैच को जीतता है कि सेकंड बैटिंग करने वाले मैच को। तो चलो जान लेते हैं स्कोरिंग पैटर्न के बारे में। चलो भाई अब बात कर लेते हैं स्कोरिंग पैटर्न के बारे में। भाई स्कोरिंग पैटर्न देख लो भाई, अरे भाई वीडियो को अभी तक लाइक नहीं मार दो भाई, ठंडी है तब पर रिमूव सूख जा रहा है, क्यों पता नहीं चल रहा, गर्मी है ठंडी, लेकिन तुम लाइक मार दोगे सब एडजस्ट हो जाएगा, सब क्या बोलते हैं डिवाइडर मतलब बराबर हो जाएगा। तो चलो भाई यहाँ देखो स्कोरिंग पैटर्न के बारे में देख लो। चलो भाई स्कोरिंग पैटर्न देखो, अभी तक इस पिच पर टोटल मैच कितने मैच खेले गए भाई? इस पिच पर अभी टोटल मैच खेले गए 21 मीन्स 21 मैच खेले गए, उसमें से बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने अभी तक 6 बार जीत दर्ज कर ली है। भाई जमीन आसमान का फर्क है, जो इस पिच पर देखो बॉलिंग फर्स्ट वन बॉलिंग करने वाली टीम ने भाई 15 बार मैच को जीत दर्ज के लिए। यहाँ देखो भाई यहाँ 80% किसको मदद मिलता है भाई? बॉलिंग का, मैं बोला था ये पिच बॉलिंग का ही है, तो बॉलिंग वाली टीम नहीं जीतेगी भाई, यहाँ समझ लो जो टीम पहले बॉलिंग करके समझ लो मैच जीत गई, ऐसा ही लग रहा है भाई, ठीक है। ये तो एक डिस्कस क्लियर होगा। फिर हम बात करेंगे फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर, फर्स्ट इनिंग में लगभग कितने रन बन सकते हैं भाई? 160 रन बन सकते हैं, इतना उम्मीद मेरा अनुमान है, मेरा टिप्स है, मेरे फैंटेसी टिप्स है। देखो भाई कितने 160 रन फर्स्ट इनिंग के एवरेज स्कोर बन सकते हैं। फिर हम बात करें टू एंड इनिंग एवरेज स्कोर, दूसरे इनिंग में लगभग कितने रन चेस हो जाते हैं? 150 तक, मतलब 10 रन का डिफरेंट है केवल, 150 और 160 इतना रन चेस हो जाते हैं। फिर हम बात करेंगे हाईएस्ट टोटल स्कोर, इस पिच पर हाईएस्ट मतलब 21 मैच अभी तक पूरे टोटल हुए, टोटल में से हाईएस्ट स्कोर कितने रहे भाई? 195 रन पे 6 विकेट रहा है, विकेट भी गिरे हैं, ठीक है, रन तो बने नहीं विकेट भी गिरे हैं। फिर हम बात करेंगे लोवेस्ट टोटल स्कोर, इस पिच पर टी ट्वेंटी के मैच में सबसे घटिया स्कोर कितना रन रहा है भाई? 95 रन पे 10 विकेट रहे, ये देखो विकेट भी गिरे हैं, पूरे लाजवाब खतरनाक एकदम। चलो भाई अब बात कर लेते हैं प्लेयर के प्रेडिक्शन में, जिसको तुमको बेसब्री से इंतजार थी, क्या थी भाई प्लेयर के प्रेडिक्शन के बारे में बता दूं। तो चलो भाई जान लेते हैं प्लेयर के प्रेडिक्शन के बारे में, हेड टू हेड मैच रिकॉर्ड के बारे में, हेड टू हेड मैच रिकॉर्ड के बारे में। यहाँ देख लो भाई जेकेआर जर्बन सुपर जायंट्स अभी तक टोटल मैच भाई अभी इन दोनों के बीच में अभी तक के बारे में, तो यहाँ देख लो भाई जर्बन सुपर किंग अभी तक मैच कितनी बार? 2 बार मैच को जीत दर्ज कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे हम देखेंगे एमआई केप टाउन ने मैच को कितनी बार जीत दर्ज किया? 1 बार जीत कर लिया भाई, ठीक है। तो यहाँ से क्या क्या पता चल रहा है कि भाई ये जो जर्मन सुपर किंग टीम है ये थोड़ा हट्टी कट्टी और थोड़ी क्या बोलते हैं भाई हार्ड टीम दिख रही है, ठीक है। तो ये हो गया हमने आपको बताया। अब चलो भाई देख लो रन रूल पिच स्टेटस, मतलब इस पिच पर कौन कितनी बार रन बने हैं, तो भाई क्या होता है तुमको सेशन बोलते हैं ना, सेशन खेलने में यस और नो करने में आसानी होगी भाई। देखो यस और नो में आंसर दोगे पैसे कमाओगे, इसमें यस और नो करने ये समझ लो भाई रन पूछेगा कौन रन कितने बार बनेंगे, तो देख लो समझ लो करते। देखो भाई बिलो स्कोर भाई मतलब 150 के अभी तक जो पिच पे स्कोर हुआ है टी ट्वेंटी में अभी तक जितने मैच रन बने हैं, देखो भाई बिलो स्कोर मतलब 150 अभी तक 150 रन कितनी बार बने हैं? 10 बार ही बने, कितने टोटल मैच कितने 21 मैच में से बिलो स्कोर मीन्स करेंट रन मान सकते हो 150 रन अभी तक 10 मैच में ही बनेंगे। फिर हम बात करेंगे स्कोरिंग बिटवीन 150 एंड 169 कितनी बार रन को बने? 3 बार, मतलब 150 से 170 के बीच में तीन बार रहा है कि रन इतने बने हुए, ठीक है। फिर हम बात करेंगे स्कोर बिटवीन 170 एंड 179,
मतलब 170 से 190 के बीच में रन कितने बने, 5 बार। ठीक है, फिर अब हम बात करेंगे अबाउट स्कोर, मतलब 190 के ऊपर कितने बार मैच में रहा है, 3 बार 190 के ऊपर रहे, बस 3 बार। तो ये हो गया हमारी कौन से, हमने बता दी रन रूल, पिच स्टेटस के बारे में, हेड टू हेड मैच रिकॉर्ड के बारे में। अब चलते हैं भाई, बात कर लेते हैं प्लेयर प्रेडिक्शन, देता हूँ अपनी प्लेयर प्रेडिक्शन के, आपके आपको बता देगा प्लेयर प्रेडिक्शन जान। चलो भाई अब बात कर लेते हैं किसके बारे में, प्लेयर प्रेडिक्शन अपना दे देता हूँ भाई, JSK जर्मन सुपर किंग के बारे में भाई, बैटर के बारे में, बैटर के बारे में बता दूं भाई। देखो कौन बंदा 25 रन किसको यस करने हैं, किसको नो करने हैं, तो भाई वीडियो को देखो ध्यान से भाई। देखो फैफ डुप्लेसी आज के मैच में इंपॉर्टेंट रहने वाला है, अगर ये फर्स्ट इनिंग बैटिंग करे या फिर टू एंड इनिंग बैटिंग करे, बहुत मार मारेगा भाई आज के मैच, फर्स्ट इनिंग या फिर टू एंड इनिंग, इस पे जितना रन का मतलब 25 रन एक वेन्यू मान के चलना, 25 रन का सीजन, इस पे बस नो मारना है, यस मार रहे हैं किस पे, फाइव डुप्लेसी में भाई, पहले इनिंग बैटिंग करे, सेकंड इनिंग बैटिंग करे, 25 रन सेशन यस मारते ना भाई। आर रहमान हरिमर भाई, अगर ये फर्स्ट इनिंग बैटिंग करता है तभी इस पे यस करना है, इस पे नो करना। अगर ये रहमान हरिमर 25 रन सेशन अगर फर्स्ट इनिंग बैटिंग करता है तो यस, अगर दूसरे इनिंग में बैटिंग करता तो 25 रन का सेशन क्या मारना है, सीधा सीधा भाई नो, यस नो में सवाल देके पैसे कमाने, बस और कुछ नहीं करना, गधा मजदूरी नहीं करने, यस और नो में आंसर दे पैसे कमाने। फिर हम बात कर लेते हैं बॉलर के बारे में भाई, देखो JKS का बॉलर है, यहाँ लिख भी देता हूँ JSK और ना कंफ्यूजन हो जाएगी, JKS के बॉलर भाई यार गार्निश कोटे में बताऊंगा, फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराए, टू एंड इनिंग में बॉलिंग करे भाई, आज में बहुत ताबड़तोड़ करके जाएगा, दो से तीन विकेट चटका के ले जाएगा। फिर भाई हमने आपको बता दिया JKS के प्लेयर के प्रेडिक्शन दे दिया, आप बात कर लेते हैं MI केप टाउन के प्लेयर प्रेडिक्शन के बारे में, थोड़ी आपको ज्ञान दे देता हूँ। बात कर लेते हैं प्लेयर प्रेडिक्शन MICT मतलब MI केप टाउन बैटर के बारे में बात कर लेते हैं, 25 रन का सीजन किसको इस पे यस करने है भाई, किसने नो करने है भाई। देखो कमा लो जितना कमाना, यही बात बोल रहा हूँ, ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो पीछे करके देखो, तुम्हारी साथ साथ मैं भी, मेरा भी कुछ भला हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देख लो भाई आरवे दूसन भाई, मैं बोलूंगा अगर आरवे दूसन क्या करेगा, फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करते समय भी बेस्ट है, टू एंड इनिंग में बेस्ट करते समय बेस्ट है, आज के मैच में भाई इस पे आरविंद दूसन पे भाई 25 रन का सेशन क्या मार देना, यस मार देना, अगर ये पहले बैटिंग करे तब भी, सेकंड इनिंग में बैटिंग करे तब भी 25 रन का सेशन भाई इस पे क्या मार देना, यस मार देना, ठीक है। फिर यहाँ देखो रियान रिकल्टन भाई, ये बहुत मारता था बंदा रियान रिकल्टन, इस समय इसकी बत्ती गुल हो गई, लेकिन आज तुम्हारा भाई देखो छाट के लेके चला आया हूँ ब्लैक बोर्ड पे, उसका नाम लिख दिया, तो भाई आज के मैच में अगर ये बंदा क्या बोलते हैं रियान रिकल्टन अगर फर्स्ट इनिंग में बैटिंग कर गया, रियान रिकल्टन अगर फर्स्ट इनिंग बैटिंग कर गया तो 25 रन का सेशन भाई कुछ सोचे समझे यस मार देना, अगर रियान रिकल्टन नहीं मान लो फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करते समय 25 रन सेशन यस करना मार देना, रियान रिकल्टन अगर टू एंड इनिंग बैटिंग करता तो 25 रन का सेशन सीधा नो मार देना, ठीक है। फिर सिंपल साधारण बात है। फिर अब हम बात करेंगे बॉलर प्रेडिक्शन के बारे में, MI केप टाउन के बारे में हम बात कर लेंगे। देखो आज के मैच में सैम करन है भाई, देखो दोनों इनिंग में बेस्ट करने वाला है, और इसमें भाई बैटिंग से भी कुछ पॉइंट देगा और बल्ले से भी कुछ पॉइंट देगा और बॉलिंग से भी कुछ करेगा, आज के मैच में 2 से 3 विकेट आपको देखने को मिल सकते हैं, तो भाई यहाँ सैम करन आज के मैच में इंपॉर्टेंट होने वाला है बॉलर के रूप में। ये हमने दे दिया MI के प्लेयर प्रेडिक्शन के बारे में। अब बात कर लेते हैं भाई द बेस्ट चॉइस कैप्टन और वाइस कैप्टन के बारे में तो भाई यहाँ देख लो मैं 5 प्लेयर का नाम लेकर, ये 5 प्लेयर तुम्हारी टीम में रहने जरूरी है, कौन ये 5 प्लेयर, पहले नाम सुन लो, आरविन दुसैन, रियान रिकल्टन, गार्लिश कॉटेज, फैब डुप्लेसी, सैम कर्न भाई, ये 5 प्लेयर मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले भाई आज के मैच में मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले, हो सकते हैं आपको विनिंग कराने में कुछ इनका हाथ हो जाए, ठीक है। तो भाई यहाँ देख लो भाई, देखो मैं बता दूं कैप्टन, मैं खुद को किसको करूंगा, मैं अपना ओपिनियन दे दूं भाई देखो अगर आरविन दुसैन आज के मैच में फर्स्ट इनिंग बैटिंग कर गया तो भाई ये 40 से मतलब 70-80 रन तो स्कोर करके जाएगा, 70-80 रन तो स्कोर करके जाएगा, तो भाई अगर फर्स्ट इनिंग बैटिंग करता है तब तो भाई इतना करके ही जाएगा, लेकिन अगर टू एंड इनिंग में बैटिंग करता है तब पर भी बंदा ही बैट कर गया, इसलिए आज के मैच में भाई इसको क्या करूंगा, कैप्टन कर दूं आरविंद दुसन को। और रियान रिकल्टन भाई अगर ये फर्स्ट इनिंग में रियान रिकल्टन अगर बैटिंग कर गया ना फर्स्ट इनिंग में, तो इसको मैं कैप्टन से हटा इसी को कैप्टन कर दूंगा, क्योंकि भाई आज के मैच में कुछ अलग करने वाला रियान रिकल्टन भाई देख लो। फिर यहाँ देख लेना, फिर गार्लिश कोटेज भी इंपॉर्टेंट, 1-2 विकेट चक्का के जाएगा, और फैफ डुप्लेसी भाई तो अगर ये फर्स्ट इनिंग में बैटिंग कर गया तो बेस्ट वाइज को कैप्टन को मैं उसको वाइस कैप्टन कर दूंगा, ठीक है। लेकिन सैम करन भी आज के मैच में इंपॉर्टेंट है, 2-3 विकेट चक्काएंगे। यहाँ हो गए भाई, मैंने अपना ओपिनियन दे दिया, द बेस्ट वाइस कैप्टन वाइस कैप्टन भी बता दिया। चलो भाई आज की वीडियो को रखते हैं, मिलते फिर किसी नए मजेदार फिर ताज वीडियो के साथ, तब तक लीजिए बंदे मानो, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। थोड़ा तेज बोला हूँ, जल्दी बोला हूँ, चलो बाय बाय, कोई नहीं, मिलते फिर किसी एक नए मेरे फ्रेश ताजा वीडियो साथ, जय हिंद।